नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं? अगर बैठने जा रहे हैं तो दोस्तों ये पांच जो बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, इन बातों को जो है आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पांच बातें जो मैं आपसे अभी बताऊंगा वो आपके नंबर को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको सिलेक्शन भी दिलाने में कारगर साबित होंगी। दोस्तों पहली जो इंपॉर्टेंट बात है इस समय, जो पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जो आपका हिंदी है और जीएस, हिंदी और जीएस को आपको 30 मिनट के अंदर आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो कोशिश ये रहे, क्योंकि अभी इस बार जो है नया नियम निकाला गया है और उसमें ये है कि हर एक एग्जाम सेंटर में, हर एक क्लासरूम में जो है एक घड़ी होगी, ठीक है, एक घड़ी होगी, ताकि बच्चों को जो है टाइम देखने में दिक्कत ना आवे, ठीक है। तो आप उस घड़ी के माध्यम से 30 मिनट का जो टारगेट है उसको आप बना सकते हैं, और 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, 30 मिनट के अंदर आपको ये दोनों ही जो है सॉल्व कर लेने हैं, ठीक। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास 90 मिनट जो शेष बचेगा, ये 90 मिनट में आप जो है मैथ और रीजनिंग आराम से जो है आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं कि जो किसी भी प्रश्न, मतलब मान लीजिए कि वो कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, किसी क्वेश्चन को वो सॉल्व कर रहे हैं और उसका आंसर एक बार नहीं आता है, दूसरी बार सॉल्व करते नहीं आता है, वो उसमें उलझे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईगो पे ले लेते हैं। ईगो पे क्यों लेते हैं कि मतलब इस प्रश्न को मैं नहीं लगा पा रहा, इतना आसान प्रश्न मुझसे नहीं लग रहा, इसको ईगो पे नहीं लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए आइए, ईगो पर जो है नहीं लेना है, ठीक, ईगो से दूर रहना है, ईगो से जो है आपको दूर रहना है। क्यों भैया? क्योंकि होता क्या है, कभी कभी प्रश्न का कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान होगा, कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान होगा, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन उलझा देता है। तो ऐसे प्रश्नों से हमको क्या करना है, दूरी बनाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ईगो पे ले लोगे कि भाई ये मतलब इतना इजी कंसेप्ट वाला प्रश्न मैं नहीं लगा पा रहा हूं, तो फिर आपका टाइम क्या होगा, वहां पे वेस्ट होगा। आप एक ट्राई की बजाय दो ट्राई करोगे, तीन ट्राई करोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक बार आपने लगाया, अगर नहीं आया तो आप दूसरी बार लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तीसरा भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा भिन्न है। होता क्या है कि प्रश्नों का चयन, कि कौन से प्रश्न छोड़ने हैं, ठीक, कौन से प्रश्न छोड़ने, अगर आप मुझसे ये कहो कि 150 प्रश्न परीक्षा में है और आप 150 के 150 सही कर लो, तो मैं कहूंगा भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छे अच्छे टीचर्स को मैं परीक्षा दिला दूंगा ना, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो भैया 150 प्रश्न में कुछ तो प्रश्न आपको छोड़ने हैं, ऐसा तो नहीं सारे के सारे प्रश्न आप कर जाओ। तो ध्यान दीजिएगा कौन से प्रश्नों को छोड़ना है। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनके कैलकुलेशन हार्ड होते हैं, तो आपको चुनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रश्न जो है कौन से हैं कि हमको जो है छोड़ना है। और ध्यान दीजिएगा आपका रीजनिंग जो एक सब्जेक्ट है उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है इसमें 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके एक जो है उसमें स्टेटमेंट दे देगा, उसी स्टेटमेंट बेस्ड पे जो है आपका 2 से 3, 4 प्रश्न देता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का जब एक स्टेटमेंट दे और उस पे 2 या 2 से अधिक प्रश्न रखे, तभी आपको उस प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर सीटिंग अरेंजमेंट के अगर एक स्टेटमेंट पे केवल एक ही प्रश्न रख रहा है, ठीक, तो आपको उस क्वेश्चन को बिल्कुल बाद में सॉल्व करना है जब आपने पूरा पेपर जो है लगा लिया हो। क्यों? क्योंकि भैया जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, आप खुद जब क्वेश्चंस लगाए होंगे रीजनिंग के, तो आपने देखा होगा सिटिंग अरेंजमेंट में जो टाइम बहुत लगता है कि ए के दाएं ये है, उसके उससे दूसरे स्थान पे दाएं जो है कि बी है या सी है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आप देखोगे कि कभी सर्कल में कर देता है, कभी टेबल के चारों ओर कर देता है, तो उस समय आपको क्या होता है कि भैया उसमें आपको बैठाना पड़ता है अलग अलग जगह, ठीक है, अलग अलग जगह आपको जो है इस तरीके से बैठाना पड़ता है और इसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर इतने बड़े स्टेटमेंट पे अगर केवल एक ही क्वेश्चन आप कर पाओ और 2 ही नंबर अगर आपको मिले, तो भाई टाइम क्यों वेस्ट करना, उतने टाइम में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक ही रहे क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको हमको सॉल्व करना है, लेकिन बिल्कुल बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है खुद पर विश्वास, खुद पर विश्वास। चलिए इसको हम लास्ट में रखते हैं, चौथे पे हम रख देते हैं। भैया जब आपको पेपर मिले, जब आपको पेपर मिले तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए जब आपको पेपर मिलता है ना, तो उस समय जो है वो कहते हैं कि भाई अभी इसका कोई भी सील जो है नहीं खोलेगा, ठीक है। सब कहते हैं कि भैया अभी इसको जो है कोई भी पेपर ओपन नहीं करेगा। जो क्लासरूम के जो टीचर होते हैं वो इस बात को कहते हैं कि जो पेपर है उसका जो सील है वो कोई भी बच्चा नहीं खोलेगा।
लेकिन जो चालाक बच्चे हैं वो क्या करते हैं, आइए मैं बताता हूं, मैं खुद वही करता हूं, तो मैं अपनी बातें आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है पेपर, ठीक है, ये आपको मिल गया पेपर, ठीक, ये आपको जो है पेपर है, और ये जो है इस तरीके से यहां पे जो है सील रहता है, आपने देखा होगा। तो करना क्या भैया, सील तो रहता है ये केवल बीच में, पूरा पेज नहीं रहता, लेकिन आप चाहो तो नीचे से उठा उठा के एक एक पेज, एक एक पेज, आप चाहो तो कम से कम जो है 6 से 7 प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न आप टाइमिंग से पहले ही सॉल्व कर सकते हो, 6 से 7 प्रश्न आप पहले ही देख सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन पे सॉल्व करो चाहे नहीं, ओएमआर नहीं भरना, याद रखना मैं जो बता रहा हूं, ओएमआर कोई नहीं भरेगा, टाइम से पहले जब टाइम स्टार्ट होगा तभी आपको ओएमआर भरना है, पहले कोई ओएमआर नहीं भरेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो ये 6 से 7 प्रश्न आपको सॉल्व करने, वो माइंड में सॉल्व कर लेना, आपने उसको पढ़ लिया आपको पता हो गया कि उसका आंसर ये है, तो जैसे ही पेपर मिला आपने जो है उसको टिक मार लिया, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये काम आप कर सकते हो, तो 6 से 7 जो क्वेश्चन है इसका टाइमिंग मान के चलिए कम से कम जो है 5 मिनट तो आपके जो है आपको ऐसे ही बच जाए, ठीक है, 5 मिनट आपको जो है ऐसे ही मिल जाएंगे, और 5 मिनट एक्स्ट्रा इस बार दिया जा रहा है, भर्ती बोर्ड ने पहले ही कह दिया कि भैया 5 मिनट जो है सभी बच्चों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो थोड़ी सी चालाकी है भैया ये सभी करते हैं, कोई ये नई बात नहीं है, जिन बच्चों को पता होगा तो वो भी जान रहे होंगे कि सर बहुत ही मतलब क्या बताएं, एक जो वास्तविक चीजें हैं वो सर बता रहे हैं। देखो ऐसा ये गलत नहीं है, गलत तब नहीं है कि जब तक आप ओएमआर नहीं भरोगे, पेपर पे निशान नहीं लगाना, ओएमआर नहीं भरना है, लेकिन जो 5 से 6 प्रश्न 7 प्रश्न जो आपको नीचे से देख सकते हैं तो उसका आंसर आप जो है माइंड में ही जो है उसको आप जो है देख लीजिए कि इसका सॉल्यूशन जो है क्या होगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, खुद पर विश्वास बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उनको पता होता है कि उनका आंसर ये है, लेकिन बगल वाले का सुन करके वो क्या कर देते हैं भैया, सही को गलत कर देते हैं, गलत को सही कर देते हैं। तो खुद पर विश्वास रखिए, बगल वाले पर भरोसा नहीं रखना है, ईमानदारी से पेपर दीजिए, और जितना आप ईमानदारी से पेपर देंगे यकीन मानिए आप उतना अधिक क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगर आप दूसरे पर आश्रित रहेंगे तो वो आपको हमेशा फेल करा के जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर पेपर के दौरान कोई भी आपको अगर डिस्टर्ब करता है, कोई भी आपको जो है मतलब जबरदस्ती कहता है कि भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपको डिस्टर्ब कर रहा है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, तो आप तुरंत जो है क्लासरूम के जो भी टीचर रहेंगे आप तुरंत उनसे जो है उनकी शिकायत करें, वहां पे कोई जो है किसी से भी जो है कि डरने की आवश्यकता नहीं, तुरंत आप क्लासरूम के टीचर से शिकायत करें कि ये लड़का या ये लड़की मुझे जो है डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया होता क्या है कि वहां पे आपकी उपस्थिति मानसिक रूप से बड़ी अनिवार्य हो जाती है, और जब कोई आपको बार बार छेड़ता है ना कि भाई इसका इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा, तो उससे आप जो है क्या होते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो और आपका ध्यान जो है वो भटकता है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो खुद पर विश्वास रखिए, ईमानदारी से खुद से जितना आपको आ रहा है उतना करिए, यकीन मानिए आप जो है दूसरे के बताए हुए से ज्यादा सही क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपके साथ शेयर करना था, जरूरी है ये बातें, क्योंकि हम लोग खुद पेपर जब दे करके आते हैं तो यही सब बातें जो है हम लोग अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस किया है हमने, तो तब जाकर के जो है कि आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये कांस्टेबल होकर जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें और ये इतनी मतलब बड़ी बड़ी जो है कि बातें बता रहा है। देखो यार कांस्टेबल अलग बात है, लेकिन हमेशा तो कांस्टेबल नहीं ना रहूंगा मैं, तो बात वही है कि अभी मैं भी एक स्टूडेंट हूं, आगे की तैयारी चल रही है, तो भाई आपको चीजें बताया जा रहा है जो अभी जो है कि हम लोग अनुभव किए हैं इतने सालों में, तो वही चीज आपको जो है बताया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को जो है ये बातें जानकारी में नहीं रही होंगी वो अब इन बातों को जानकारी में लेकर के जो है इस बार जब पेपर देने जाएंगे तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये दोनों पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट के ईगो पे नहीं लेना है, और कौन से प्रश्न छोड़ने हैं उनका चयन बहुत जरूरी है। जो प्रश्न ना आए टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम का ही खेल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई ये दोनों एग्जाम जो है टाइम का ही खेल है, इसमें टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।